नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस लाइट की सर्किट बनाएंगे। देखिए, ये सर्किट हम बनाएंगे इस लाइट की, जो कि ये बटन एक बार प्रेस करते हैं तो 25% और सेकेंड बार प्रेस करते हैं तो 50% और थ्री स्टेप करते हैं तो ये 100% ब्राइटनेस देती है और फोर स्टेप में ये ऑफ हो जाती है। तो इसी का आज हम सर्किट बनाने वाले हैं। देखिए, एक स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, इसी सर्किट को अभी फोर स्टेप में बंद हो गया है तो अभी हम बनाएंगे इस सर्किट को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हमको लेना होगा एक CD4017 IC, इस तरह से CD4017 IC लेना होगा। एक नंबर पिन पहले बना लेते हैं दोस्तों। ये 16 पिन की आईसी होती है तो इसको सबसे पहले हम 8 नंबर पिन और 13 नंबर पिन को हम शॉर्ट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद दोस्तों 10 नंबर पिन और 15 नंबर पिन हम शॉर्ट करेंगे। 10 नंबर पिन और 15 नंबर पिन हम शॉर्ट कर दिए हैं इस तरह से। उसके बाद दोस्तों एक रेजिस्टेंस लगानी होगी जो कि उसका नंबर होगा 10 किलो ओम्स। इसको भी हम लगा देते हैं। 10 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगेगी उसकी, जो है एक 13 नंबर पिन पे और एक 14 नंबर पिन पे ये लग जाएगी रेजिस्टेंस इस तरह से। ये 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ रेजिस्टेंस लगेगी 2 नंबर पिन पे, एक 4 नंबर पिन पे, एक 7 नंबर पिन पे रेजिस्टेंस लगेगी। इसका नंबर दोस्तों होगा 4.7K, इसका हो जाएगा 2.2K और यहाँ पे 1.5K। और इसके सीरीज में एक 3 डायोड लगेगा जो कि डायोड का नंबर होगा 1N4148। तो इस तरह से अभी हम डायोड लगाएंगे। इस तरह से डायोड 3 लगा दिए हैं 4148। ये तीनों 4148 डायोड है और ये CD4017 IC। तो इसके अब एक ट्रांजिस्टर लेना होगा जो कि उसका नंबर होगा BD139 इस तरह से। यहाँ पे बेस आएगी, यहाँ पे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लग जाएगी। यहाँ ग्राउंड से हम कनेक्शन कर देंगे इसको, ईमीटर को, ईमीटर, कलेक्टर, बेस, बेस पर हम यहाँ ये जोड़ देंगे डायोड वाली पॉइंट को। और दूसरी यहाँ एलईडी जो हम जलाएंगे वो लेना होगा, जो कि एक एलईडी लगी रहती है। तो इसके लिए हम इस तरह से एलईडी हम बना लेते हैं। यहाँ पे एलईडी और यहाँ पे प्लस पड़ेगी, यहाँ पे प्लस पड़ेगी एलईडी की। और उसके बाद एक पुश बटन स्विच लेना होगा जो कि NO स्विच होगी और यहाँ पे प्लस वोल्ट पड़ेगी, यहाँ बैटरी की प्लस। और यहाँ एक स्विच लेना होगा, इसको अभी हम यहाँ कनेक्शन कर देंगे। और दूसरी यहाँ 14 नंबर पिन पे जो रेजिस्टेंस लगी है, 14 नंबर पिन पे हम एक यहाँ पे हम जोड़ देंगे 14 नंबर पिन पे। और इसी के कैपेसिटर एक लग जाएगा दोस्तों,
2.2 माइक्रोफैराडे का, यहाँ माइनस हो जाएगा कैपेसिटर का, यहाँ प्लस। तो दोस्तों अब यहाँ पे ग्राउंड पड़ेगी न्यूट्रल, सॉरी दोस्तों न्यूट्रल नहीं मतलब नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस तरह से, और यहाँ भी पॉजिटिव पड़ेगी। और सेल हम ले लेते हैं, लगा ही देते हैं सेल की इस तरह से, एक यहाँ ये एलईडी में चल जाएगी और ये ग्राउंड में। इस तरह से आप सर्किट बना लेंगे। तो ये मैंने ब्राइट बोर्ड पे बनाया हुआ है, यहाँ पे 41-47 डायोड लगा है, वहाँ पे यदि आपकी लाइट कम या ज़्यादा कर रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो लाइट की ब्राइटनेस चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2.2 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर लगा है, 2.2 FD का, और यहाँ पुश बटन स्विच, स्विच स्विच यहाँ पे है ये, और यहाँ बैटरी 4 पॉइंट जो भी हो वोल्ट का, आप उसके हिसाब से लगा लीजिएगा। यहाँ पे एलईडी लगी है, तो इस तरह से सर्किट काम करता है। तो चलिए अभी हम ब्राइट बोर्ड पे हम बनाए हुए हैं, ये देखिए सर्किट, यहाँ पे CD4017IC लगी है, और सेम ये BD139 NPN ट्रांजिस्टर, यहाँ पे 1.5K, ये 2.2K और ये 4.7K का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक कैपेसिटर, जो कि यहाँ पे कैपेसिटर है, ये पुश बटन स्विच और ये एलईडी, ये देखिए एलईडी लगी है 4 वोल्ट या 3 वोल्ट की है। तो और यहाँ पे सेल, ये सेल लगी है, यहाँ पे 3 डायोड लगी है, और यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। तो अभी इसको भी हम पुश बटन देखते हैं चालू करके, 1 2 3 4, 4 स्टेप में ये ऑफ हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पे क्लिक कर लें, बेल की ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू दोस्तों।